महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति को समर्थन देने का ऐलान किया है। मुंबई के शिवाजी पार्क में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने इसका ऐलान किया। राज ठाकरे ने साफ किया कि यह समर्थन बिना शर्त और सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए है। इस दौरान उन्होंने राज्य के सभी एमएनएस कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने की अपील भी की। ये बड़ी खबर महाराष्ट्र से आपको बता रहे हैं। राज ठाकरे ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया है। देखे जहां हंसराज हंस अपने समर्थकों के साथ बैठे हुए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बैरिकेड लगाकर रोक दिया। इससे किसानों का गुस्सा भड़क गया और वो लोग पुलिस से हाथापाई पर उतर आए। हालांकि किसी तरह हंगामे को पुलिस ने शांत करवा लिया। ये तो अपने भैन भाई है, कोई गल नहीं, हंसराज हंस का किसानों ने मानपुरा इलाके में विरोध किया। बठिंडा जिले के तहत आने वाला ये इलाका फरीदकोट लोकसभा सीट के अंदर आता है और इसी सीट से बीजेपी ने हंसराज हंस को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि वो दिल्ली की उत्तर पश्चिम दिल्ली सीट से सांसद हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने उनके सामने पंजाबी एक्टर करमजीत अनमोल पर भरोसा जताया। पंजाब की सभी 13 सीटों पर आखिरी चरण में 1 जून को वोटिंग होगी। इधर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के खिलाफ प्रचार करने के लिए उनके ही भाई मैदान में उतर आए। यहां वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के समर्थन में जनसभा करते नजर आए। भोजपुरी फिल्मों के एक्टर निरहुआ के भाई विजय लाल यादव खुद भी भोजपुरी फिल्मों के लिए गाने गाते हैं और उन्हीं गानों के जरिए उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के समर्थन में सभा की। इस जनसभा में बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ के भाई विजय लाल यादव समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगते नजर आए। निरहुआ के भाई विजय लाल यादव समाजवादी पार्टी और खासतौर पर मुलायम सिंह यादव के समर्थक माने जाते हैं। उन्होंने दावा किया कि किसी भी कीमत पर समाजवादी पार्टी के खिलाफ लड़ने वाले को वो समर्थन नहीं देंगे। भाई है, अगर बेटा भी होगा तो हम उसको भी माफ नहीं करेंगे। निरहुआ आजमगढ़ सीट से मौजूदा सांसद भी हैं। उन्होंने 2022 में यहां से उपचुनाव जीता था, तब भी उनकी टक्कर धर्मेंद्र यादव से ही हुई थी और उन्होंने समाजवादी पार्टी को यहां मात दे दी थी। और माना जा रहा है कि इसी वजह से बीजेपी ने 2024 में भी आजमगढ़ में निरहुआ को ही उतारने का फैसला लिया। यहां उनका मुकाबला अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव से होगा। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ सीट समाजवादी पार्टी के लिए नाक का सवाल मानी जाती है। आजमगढ़ लोकसभा सीट को उत्तर प्रदेश की सबसे अहम सीटों में एक माना जाता है और समाजवादी पार्टी तो इस सीट पर जीत दर्ज करने के लिए पिछले कई साल से अपनी पूरी ताकत झोंकती आई है। आजमगढ़ यूपी के पूर्वांचल का हिस्सा है। ये सीट यूपी की राजधानी लखनऊ से करीब 260 किलोमीटर दूर है, लेकिन यूपी की राजनीति में आजमगढ़ सीट की अलग ही धाक मानी जाती है और वो इसलिए क्योंकि आजमगढ़ लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती थी। इस सीट से मुलायम सिंह यादव भी सांसद रहे और 2019 में अखिलेश यादव ने भी इसी सीट से चुनाव जीता था। हालांकि 2022 में उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए ये सीट छोड़ दी थी और तब आजमगढ़ लोकसभा सीट पर बीजेपी के दिनेश लाल निरहुआ और समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव का मुकाबला हुआ था। ऐसा माना जाता है कि तब इस सीट पर बीएसपी ने गुड्डू जमाली को उतारकर अखिलेश की पार्टी का खेल